खबर है कि नकल करते 17 उम्मीदवार पकड़े गए हैं। 9 उम्मीदवारों के खिलाफ यूएमसी बनाई गई। साहिवाल में सबसे ज्यादा यूएमसी फाइल हुई। 3 जाली उम्मीदवार भी पकड़े गए। तालीमी बोर्ड ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा तफसीलात। इम्तिहानात में जालसाजी करने वाले पकड़े गए हैं और नकल करते हुए 17 उम्मीदवार जो हैं वो पकड़े गए, जिनके खिलाफ यूएमसी भी बनाई गई है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा आतिफ परवेज से। आतिफ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब के तालीमी बोर्ड में आज नकल और इसके साथ साथ जाली उम्मीदवारों की जो रिपोर्ट जारी की गई है। पहले सेशन में अगर पेपर की बात की जाए तो 17 ऐसे बच्चों के खिलाफ केस बनाए गए हैं जो नकल कर रहे थे, और इसी तरह अगर इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो साहिवाल से है। 9 उम्मीदवार जो है वो साहिवाल से पकड़े गए और आज एक जाली उम्मीदवार भी पकड़ा गया है जिसका ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है। फैसलाबाद बोर्ड ने पकड़ा है। और इस तरह अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो पंजाब भर में 17 के करीब जो यूएमसी बनाए गए और 3 जाली उम्मीदवार पकड़े गए हैं। एक जाली उम्मीदवार जो है जिसका लाहौर से ताल्लुक है। तो तमाम 9 के 9 बोर्ड की जो आज की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 17 यूएमसी के केस बनाए गए और 3 जो है वो जाली उम्मीदवार अभी तक सामने आए हैं। शुक्रिया आतिफ परवेज।